तो ये है हमारी प्यारी निशु जो लगा रही है झाड़ू। प्यारी निशु सदा खुश रहो, झाड़ू लगाती रहो, कचरा घर से बाहर निकालती रहो। कितने अच्छे से कचरा का सफाई कर रही, देखिए। और वो हमारा किस्सू पिस्सू ये यहाँ पर क्या कर रहा है, खरगोश की देखभाल, तपस्या कर रहा है, तपस्या। ओ किस्सू क्या कर रहा है तू, है कुछ तो कर ही रहा है तू। यहाँ पर, यहाँ पर ये खरगोश का ख्याल रख रहा है, खरगोश को देखिए, वो चीकू चीकू बाहर घूम रहा है, तो इसका वो देखभाल कर रहा है यहाँ पे। और ये बनी यहाँ पे क्यारियाँ बनाई हुई क्यारी। और मैंने कल मेहंदी लगाई थी, फिर मैंने रात को ऑयलिंग की बालों में, इसलिए मैंने चोटी ऐसे गूँत ली है। और हम चलते हैं, चलते हैं हम किस्सू एंड चीकू के पास। क्या सूरज को जानते हो? सूरज को हाँ जानती हूँ। कौन सूरज? वो है पीछे, यहाँ से तेज चमक रहा है। तो वाला सूरज नहीं। कौन सा सूरज है? कोई कौन सूरज है? एक लड़का गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आप भी YouTube की वीडियो देखते। गाड़ी वाला आया घर से किस्सू निकाल। चलो तो हम चलते हैं अंदर। और ये किस्सू की खेती, किस्सू भाई यहाँ रात दिन मेहनत करके, किस्सू ने झाड़ियाँ की हैं, पापा ने तो इसके ये क्यारियाँ बनाई हैं, मामा ने पूरा बनाया, पापा ने ये पूरा मामा ने बनाया। सारी झाड़ियाँ किस्सू ने की हैं ये सारी। चलिए तो चलते हैं हम अंदर। चीकू को अंदर ला रहा है तू? ठीक है पूछती, अभी नहीं ला सकता मामी कह रही। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप तो गर्मी में धूप। और तू पोछा लगा दे, मैं रोटी बना लूंगा। और ये मुझे ऑर्डर दे रही कि तू पोछा नहीं होगा तो मैं रोटी बना रही हूँ। और ये देखिए मेरी चटी, ऑयलिंग वॉयलिंग करके, मेहंदी लगा के ऑयलिंग करके, और उसके उसके दो बाल झड़ गए। कितनी बड़ी बात होगी, मेरे तो झड़ते ही रहते हैं। इतनी छोटी सी बात टूटेगी मेरी क्या? लड़ाई कर रहे हैं, बताओ। छोड़ो तो, अरे आराम से, इजी तरीके। अरे इधर नहीं यार, उल्टा कर देगा तो ऐसे ही अपने आप ही निकल जाएगी वो। हाँ अकल नहीं है, अकल नहीं है तेरे में। सभी बोलते अकल बड़ी है, भैंस बड़ी है। भैंस बड़ी है, देखा नहीं ना अकल तेरी इतनी सी? भैंस तो बड़ी है। अब कल के टप्पू सिर में गंडड़ी बड़ी है। आपको क्या गिरा है? गिर गए से पता नहीं क्या गिरा है। कोई बात नहीं, हम अलादीन का खजाना निकालेंगे अभी देर में। देखिए पता नहीं क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हो? अच्छा पीक वो निकल जाएगा, दिखाना। तो ये रहा, ये हार मान चुका है। मामा जी नमस्ते, प्रणाम। ठीक हो आप? हाँ भाई जी, मैं तो कब की आ रही हूँ। भूल गए आप, मैं तो कब की आ रही हूँ। मैं तो सुधर चले गए थे। तो ये हमारे दाढ़ी वाले मामा जी, हाय बोलिए। हाय, आपको हम ब्लॉग में दिखाएंगे। ये गिटार मास्टर, ये हमको गिटार सिखाएंगे। फिलहाल ये लोग ट्राई कर रहे हैं चुन्नू उन्नू। और यहाँ पर अक्की भाई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर घास काट रहे हैं। रॉक स्टार बैठी यहाँ पर, ये बैठी रॉक स्टार। जो भी मैं कहना चाहूँ, ये बैठी यहाँ पे इल्लारू ने। वीडियो बना रहे, वीडियो बर्बाद करे अल्फाज मेरे। ये है ये छोटे टीचर, टीचर की नाक आ गई। चल बजा यार, छोटी नहीं यार, बड़ी लाता। यह है पुराना घर नाना जी का। मैं
जो कि आप किराए पे दे दिया है। वो था मेरे नाना जी का कमरा। और ये था किचन, और वो बड़े मामा लोगों का किचन पुराना, ये वॉशरूम वगैरह। और ये ऊपर सीढ़ियों से देखिए, अब यहाँ पर ऐसे बन गया, लेकिन पूरा यहाँ पर खुला हुआ था। और ये दो रूम थे, पहले अर्चना का कमरा था, फिर ये लता मामी का हो गया। और इस वाले रूम में हम सब बच्चे देखते थे टीवी, यहाँ होता था टीवी। और ये पूरा ओपन था, यहाँ पर सिर्फ इतना था, तो हम बैठे हुए होते थे यहाँ पर। और ये देखिए छत, जो कि टूट फूट गई है काफ़ी। और अब यहाँ भाभी लोगों का मकान बन गया, यहाँ पूरी छत टूट फूट गई है और दोबारा से नई बनाई गई थी छत। अब पूरा ये बगीचा है, ये आम का बगीचा नाना जी का। ये है मेरा नैनी हाल, ये देखिए। वो कभी स्कूल हुआ करती थी, अब वो भी रेंट पे है और स्कूल कहीं और शिफ्ट हो गई है। वो देखिए नीचे, हेलो। निशु, निशु इधर में, इधर छत में, यहाँ दिख नहीं रही। अबे यहाँ देख, मैंने कहा यहाँ देख छत पे। इनको कह रही मैं कि छत पे आ जाओ। हाय, छोटू का गिटार है, लेके छत पे आ रहे हैं। और ये देखिए, ये आम का पेड़ था, है ना, जब हम पहले यहीं रहते थे तो वहाँ पर हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, स्कूल था वहाँ पर, है ना, तो वहाँ पर हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो फिर शाम के टाइम पे इस आम के पेड़ से कभी कभी छत पे चढ़ जाते थे, यहाँ आम वो आम सुखाते हैं ना, वो खाने के लिए मंदिर है। हाँ हाँ, नंबर मेरे पास, नंबर दे दिए। देखिए, और इस पेड़ पे बहुत ही अच्छे आम लगते थे। ये पूरा पुराना घर है, पहले सब एक साथ यहीं रहते थे, जो कि अब रेंट पे है। और ये लोग आ गए छत पे। और एक बार निशु बैठ गई थी, पता, जब ये छोटी थी ना, सब हम छत पे सोते थे, तो निशु यहाँ बैठ गई थी, यहाँ पर, जहाँ पे सलवार नहीं रखी हुई, यहाँ पर नींद में, जैसे घोड़े में बैठते हैं ऐसे। वो तो मम्मी आ गई रात के टाइम, वरना सीधा चली जाती नीचे, कहाँ गिरती, सीधा जाके वहाँ ठीक चप्पलों के सामने गिरती हो, नीली वाली नहीं, रेड वाली, रेड वाली। और ये है पुराना वाला घर, ये मेरा नैनी हाल, मेरे नैनी हाल का पुराना वाला घर, जिसके छत पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ। और पहले यहाँ सब साथ में रहते थे। अक्की, ओए यहाँ हूँ मैं छत में, हम मैं आवाज लगा रही हूँ नीचे, मैं आवाज लगा रही हूँ नीचे, मैं कह रही छत में है हम सब। और ये देख रहे हैं यहाँ पीछे, यहाँ हम लोग बहुत खेलते थे, बहुत, जब छुट्टी आते थे गर्मियों में, हम मौसी की बेटी, हम सब लोग बच्चे, मेरे मामा के बच्चे, मौसी के बच्चे, हम सब कुछ, सब लोग यहाँ हो जाते थे इकट्ठा। और उसके बाद बहुत खेलते थे, आइस वाटर हो गया, आयरन सीक हो गया, कोई भी गेम हो गया, यहाँ खेलते थे हम, बहुत मजा आता था हम लोगों को। और जब इस घर में रहते थे तो ये अक्षत बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। अबे जा एक काम कर, एक डंडी लेके बड़ी वाली, जैसे साइज छोटा कर दे। पका हुआ आम था ये, पका हुआ। नहीं, क्यों निकालो? नहीं, ये बड़ा हुआ हमारे बहुत भाई।
आक्षित और इनकी बॉल गिरा रही हो, देखिए कपड़े की बॉल, बेचारे इन छोटे छोटे बच्चों की। दिल से पहाड़ी पूजा। सब्सक्राइब करना है क्या? सब्सक्राइब और इस इतने बड़े बच्चे ने इस छोटे से बच्चे की गिरा दी है वहाँ पर बॉल और लेके नहीं आ रहा है। ये बहुत बदतमीजी, बच्चा मुझे गिरा है, दीदी मेरी बॉल गिरा दी और लेके नहीं आ रहा है। वहाँ से जाना होगा बट मेरे ख्याल से ऊपर सीढ़ी में शायद दरवाज़ा लगवा दिया होगा, तो कैसे ऊपर जाएंगे। और यहाँ से तो भैया डर लगता है गिर जाएंगे नीचे, तो सीधा बीच में जाएंगे। दिल में मेरे। और यह है सिंगर, डांसर, पता नहीं क्या क्या सब साथ में। भाई तो गाना भी गा लो। कोई गाना नहीं गा रहा। बेड़ पा को गाना बजा दो। बार मासा हो गई रात, जाने दो जाना है। फुल गिटार को तोड़ा जा रहा है। अभी अभी तो आए हो, वो गिर गया और दिखा रहे भाई स्टंट। वो स्टंट दिखा के घायल हो गया, वो स्टंट दिखा के। मैंने लगाई थी कल मेहंदी, उसके बाद मैंने ढेर से ऑयलिंग की थी और मैंने अब हेयर वॉश की और अब अमित आ गए और मैं दिखाती हूँ कितने प्यारे बादल दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए गाइस कितना प्यारे, कितने प्यारे ये बादल लग रहे हैं। वाह देखिए कितना सुंदर, बिल्कुल इतनी बारिश और बारिश के बाद यहाँ पर खिल गई है धूप। देखिए कितना सुंदर सुंदर ग्रीन ग्रीन, नीला नीला और वाइट वाइट बादल। और साथ में हमारी गिटारिस्ट, पता नहीं कौन सा गाना ये प्ले करेंगी। और ये टीचर है इसके, ये टीचर बना इसका छोटू और ये सिखा रहा था इसको गिटार प्ले करना, जो कि उसे खुद भी शायद अभी अच्छे से नहीं आता है। मुझे भी अच्छे से नहीं आता। वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि उसे भी अभी अच्छे से नहीं आता है। तो थोड़ा बहुत जो बजा लेता हूं फिर। तो चल कुछ सुना दो। और यहाँ मैं आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद यहाँ है। बचपन में हम यही खेलते रहते थे। ये बजा रहा है बचपन में जब हम छोटे थे, छोटे इतने भी क्या बड़े भी हुए जाते। तो यही रहते थे और बहुत 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 खेलते थे। जस्ट हमें ये घर भी नहीं था, यहाँ पीछे गाय गाय रहा करती थी। अब ये घर यहाँ पे घर बना लिया है भैया ने। ये मेरे ही कजन ब्रदर है, उनका घर है। अच्छा लग रहा है। क्यूट सा भाई आ गया ट्यूशन से और देखिए उसने कितने सारे कपड़े उठाए मेरे, कितना बैग उठाया हाथ में। टेलर के यहाँ से मैं आई और इसका दोस्त आ गया। दोस्त हो गया तो ये ओ आ गई, आ गई ये आ गए डिग्गू और ये आ गया डिग्गू का डॉगी जैकी। जैकी डुगू का दोस्त। और ये मैं घर के अंदर, इतना अंधेरा अंधेरा कायम रहे, कहाँ है भाई? मेरी राहें तेरे तक है, तू बेशक है तुझमें ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरा, पीछे आऊंगा तेरे लुमाया, खुदा से मांग लाऊंगा तेरे नाम तक दीदे निकलवाऊंगा, तेरा बन जाऊंगा। और ये पानी का ग्लास हाथ में लेके ताली बजाओ, ताली बजाओ।